हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज है तुलसी विवाह, तो आज हम लगाएंगे तुलसी का प्लांट अपने पूजा वाले तुलसी माँ में, जहाँ पे हमने तुलसी का चबूतरा बनाया है उसी में हम लगाएंगे तुलसी का पौधा। तो देखिए, ये मेरा बड़ा सा तुलसी है, इसके नीचे छोटा सा तुलसी है, ये देखिए। तो इसके नीचे में एक छोटा सा तुलसी है, तो इस तुलसी को हम उखाड़ेंगे। उससे पहले हम पानी डाल लिया है हमने इसमें गमले में, तो थोड़ी देर बाद हम इसको उखाड़ेंगे आराम आराम से, कहीं जड़ टूट ना जाए। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। आज शुक्रवार है, जेठान एकादशी, जेठान है तो कार्तिक के शुक्ल पक्ष एकादशी जो होती है, जेठान एकादशी, उस दिन तुलसी विवाह होता है। तो आज के दिन तुलसी जरूर लगाना चाहिए, तो इसलिए मैं इस गमले से एक छोटा सा तुलसी का प्लांट ले रही हूँ। देखिए, मैंने तुलसी को निकाल दिया है, तो आप भी इस तरह से तुलसी को ले लें और फिर आपका जो पूजा वाली तुलसी माँ है, जब अपने चबूतरा में, तुलसी चबूतरा इसको बोलते हैं, देखिए मेरे पास ये तुलसी माँ का एक चबूतरा है, उसमें पहले से ही तुलसी और लगे हुए हैं, लेकिन आज जेठान एकादशी तुलसी लगाना चाहिए, इसलिए मैं इसमें तुलसी माँ को लगाऊंगी। मेरा ये यहाँ पे कोड़ने वाला यहाँ रह गया, तो मैं लेने आई हूँ। तो फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से साइड से, तुलसी माँ का मतलब भगवान है, तो हमको उनको भगवान समझ के ही थोड़ा आराम आराम से करना होता है। तो हम जहाँ तुलसी का पौधा है वहाँ से किनारे में, साइड में मैं जगह बनाऊंगी, रोपने कोड़ूंगी साइड साइड में। तो इस तरह से मैं इसको कोड़ लूँगी और फिर उसके बाद अच्छे से गड्ढा करके उसमें मैं तुलसी को लगा दूँगी। मैंने पिछले साल भी इसमें तुलसी लगाए थे, देखिए एक छोटा सा साइड में है, बीच वाला नहीं, साइड वाला, तो वही मैं पहले पिछले साल लगाई थी, तो अभी तक है। तो कहते हैं कि जेठान के दिन जो तुलसी लगाया जाता है, तो अगर हम तुलसी विवाह के दिन अगर हम तुलसी का प्लांट अपने जिस जिसमें हम पूजा करते हैं उस गमले में, आप लोग गमले में करते होंगे, तो जहाँ पे हम पूजा करते हैं उसी गमले में अगर हम तुलसी को लगाते हैं और पूजा करते हैं, तो आज का लगाया हुआ, जेठान के दिन का लगाया हुआ तुलसी, अगर जैसे जैसे आपका तुलसी उसमें बढ़ता है, उसके रूट अंदर नीचे जैसे जैसे फैलते हैं, तो उससे आपका पुण्य फैलता है। आपका जितने वंश होंगे, जितने कुल पूर्वज होंगे, जितने कुल खानदान जितने होंगे, सभी के पाप कर्म नष्ट होते हैं। और जैसे जैसे तुलसी जड़ फैलती है तुलसी का, वैसे वैसे हमारे पुण्य बढ़ते हैं, और हमको जितने साल तक तुलसी माँ हमारे गमले में होती है या चबूतरे में होती है, तो उतने दिन तक, देखिए मैं इसमें अभी जल डाल रही हूँ अच्छे लोटे से, क्योंकि हम पूजा का तुलसी है ना, तो उसमें हम अच्छे लोटे से जल डालेंगे साफ़ सुथरा पानी से, और फिर उसके बाद हम इसको पूजा करेंगे। तो हम अगर तुलसी हमारे द्वारा लग जाती है, जैसे देखिए मेरा पिछले साल वाला भी तुलसी है, तो उससे हमको बहुत ही हजारों साल वैकुंठ में हमारा निवास होता है, तो तुलसी ज़रूर लगाएं। बाय दोस्तों।